हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। आज थोड़ी मैं वीडियो ना कार में बना रहा हूं, तो कैमरा एंगल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आज संभाल लेना। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं केएफसी बिग बैश लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में होबार्ट के बेलरेव ओवल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 23 दिसंबर को दोपहर के 2 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो होबार्ट का जो मैदान है वो बल्लेबाजी करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। साइड की बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, इस वजह से मेरे हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, पहले चेस करना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं होबार्ट हरिकेन्स के बारे में। तो होबार्ट की टीम ने लगातार अपने 2 में से 2 मुकाबले हारे हैं, और इस टीम की बैटिंग के अंदर ना कुछ काफी अच्छे नाम है, पर इन दोनों मुकाबलों के अंदर वो कुछ खास कर नहीं पाए। मुझे अभी भी लगता है मैंने पिछले मुकाबले में क्रिस जॉर्डन की इतनी बुराई करी कि आप उनमें से बल्लेबाज कैसे खिला सकते हो, और उन्होंने क्या ही तगड़ी पारी खेल दी बैट से। हालांकि बॉलिंग तो अच्छी कर नहीं पा रहे, पर फिर भी क्रिस जॉर्डन इस मुकाबले के अंदर अच्छा करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। मैथ्यू वेड पिछला मुकाबला खेले नहीं, पर मुझे लगता है इस मुकाबले के अंदर मैथ्यू वेड की वापसी हो सकती है, तो ही कैन बी अ वेरी गुड एडिशन टू दिस साइड। बेन मैकडरमॉट को अच्छा करना पड़ेगा इस टीम के लिए। नंबर 3 पे बल्लेबाजी करेंगे वो इस मुकाबले में, बहुत सालों से अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, आई थिंक वो अच्छा करना चाहेंगे। और टिम डेविड से ये टीम बहुत उम्मीदें करती है, इतना नाम बनाया है उन्होंने, दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं। टिम डेविड को इस मुकाबले में अच्छा करके दिखाना पड़ेगा, टीम लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है, ये उनका होम वेन्यू भी है, तो मुझे लगता है टिम डेविड अच्छा कर सकते हैं। तो बैटिंग में ऐसा नहीं कि इस टीम के पास नाम नहीं है, निखिल चौधरी ने पिछले मुकाबले मुझे काफी इंप्रेस किया, मुझे लगता है इस मुकाबले के अंदर एक बार उन पर निगाह बना के रखिएगा। उनके बारे में उतनी बातें नहीं होती, पर इज ए वेरी गुड प्लेयर आई गेस। गेंदबाज इस टीम की डिसेंट है। रायली मेरेडिथ पिछला मुकाबला नहीं खेले, तो मुझे लगता है इस मुकाबले में मेरेडिथ वापसी कर सकते हैं, तेज गेंदबाजी करेंगे, विकेट टेकर हैं। फिर नेथन एलिस इस टीम के पास है, पैट्रिक डूली इस टीम के पास है। होबार्ट के पास स्क्वाड तो काफी अच्छी है। अगर मैं बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं कैलेब जूल और मैथ्यू वेड। नंबर 3 पे बेन मैकडरमॉट, नंबर 4 पे सैम हैन, नंबर 5 के ऊपर टिम डेविड, नंबर 6 पे कोरी एंडरसन, नंबर 7 पे निखिल चौधरी, फिर क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, रायली मेरेडिथ और पैट्रिक डूली। तो मेरे हिसाब से डिसेंट टीम है होबार्ट की, जीतना चाहेंगे वो इस मुकाबले के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूं मेलबर्न रेनेगेड्स के बारे में। तो मेलबर्न रेनेगेड्स ने भी 3 में से 2 मुकाबले हारे हैं, और एक मुकाबला उनका अबैंडन हो गया। बहुत सालों से ये टीम लास्ट पे फिनिश करती है, पर उतनी खराब है नहीं ये टीम जितना मुझे लग रही ग्राउंड के ऊपर, बस टीम को फॉर्म में आने की जरूरत है। जेक फ्रेजर मर्गॉक ने मुझे जो इंप्रेस किया, मतलब ये युवा प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के, और जितना क्लीनली ये बॉल को हिट करते हैं ना, मतलब देखकर मजा आ गया। ग्लेन मैक्सवेल ने भी तारीफ करी है। उसके अलावा जो इस टीम का ओपनिंग पेयर है क्विंटन डिकॉक और जो क्लार्क का, मेरे हिसाब से टूर्नामेंट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, बस उनको फॉर्म में आने की देर है। अगर डीकॉक और क्लार्क किसी एक का भी बल्ला चल गया ना, तो मेलबर्न रेनेगेड्स इस मुकाबले में कमाल कर सकती है। दोनों काफी अच्छे प्लेयर हैं, फिर निक मेडिसन भी है। मुझे दिक्कत लगती है टीम के लोअर ऑर्डर के अंदर। एरॉन फिंच और जॉन वेल्स आई थिंक अपने प्राइम को पास कर चुके हैं, तो वो मुझे तो कॉन्फिडेंस देते नहीं है। इस टीम के टॉप 4 को अच्छा करना पड़ेगा। गेंदबाजी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है इस टीम की। स्पिन गेंदबाजी में एडम जैम्प और मुजीबुर रहमान है, तेज गेंदबाजी में विल सदरलैंड है, केन रिचर्डसन है, टॉम रॉजर्स है, तो मेरे से गेंदबाजी में दिक्कत नहीं है, बस टॉप 4 बैटिंग को कमाल करना पड़ेगा। इनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं, तो ओपन कर सकते हैं क्विंटन डिकॉक और जो क्लार्क। नंबर 3 पे आपके आ जाएंगे जेक फ्रेजर मगर्ग, नंबर 4 पे निक मेडिसन, नंबर 5 पे एरॉन फिंच, नंबर 6 पे जॉन वेल्स, नंबर 7 पे विल सदरलैंड, फिर टॉम रॉजर्स, केन रिचर्डसन, एडम जैम्प और मुजीबुर रहमान। आप कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। मुझे किसी एक टीम को पिक करना काफी मुश्किल लग रहा है। मेरे हिसाब से जो टीम चेस करेगी ना इस मुकाबले में, उसी का एडवांटेज रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।